नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बैर का पत्ता लेकर आया हूं और इसी बैर के पत्तों के फायदे के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि यह बैर का पत्ता हमारे शरीर के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। ऐसे तो दोस्तों इस बैर के पेड़ में बैर का फल भी लगता है और आप लोग खाए भी हो, मीठे भी फल होते हैं, खट्टे भी बैर के फल होते हैं। बैर के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, झड़बेरी होते हैं, मीठी बैर होते हैं, खट्टी बैर होते हैं, बरबरी बैर होते हैं। इस तरह से करीबन 15-20 बैर के प्रजाति हैं, लेकिन सभी बैर हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों ऐसे तो हम पक्का बैर भी खा लेते हैं, कच्चा बैर भी खा लेते हैं और बैर को सुखाकर चूर्ण बनाकर पाउडर बनाकर सुबह शाम एक चम्मच भी बहुत सारे लोग खाते हैं, जिससे शरीर का बल बढ़ता है। लेकिन मैं आज आपको बेर के पत्तों के खाने के फायदे के बारे में बताऊंगा और बेर के पत्तों को लगाने के फायदे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जितना फायदेमंद होता है इस बेर का फल खाने में, उससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है इस बेर के पत्ते खाने में। लेकिन बेर के पत्तों का स्वाद कसैला होता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो इसलिए नहीं खाते हैं। लेकिन जब मैं आपको बैर के पत्तों के फायदे के बारे में आज बताऊंगा तो आप बैर फल से ज्यादा पत्ता खाने का ध्यान दोगे। दोस्तों इस बैर के पत्तों को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर में आप मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाकर किसी डब्बे में बंद करके रख लीजिए और रोज सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन कीजिए। ऊपर से 200 ml दूध पीजिए तो शरीर का बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा। अगर कोई पुरुष कमजोर है, स्टेमिना पावर कमी है, धातु रोग से पीड़ित है, उसके लिए भी यह काफी फायदेमंद साबित होगा। और अगर कोई स्त्री है, कमजोर है, खून कमी से जूझ रही है, लिकोरिया का प्रॉब्लम है, सफेद पानी की शिकायत है, तो उन स्त्रियों के लिए भी यह बेर के पत्ता मिश्री मिलाकर सेवन करें और ऊपर से दूध पिए तो बहुत ही अधिक फायदा होगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर किसी माता बहनों के स्तनों में दूध नहीं उत्पन्न होता हो, जिसके वजह से उसका बच्चा पीने बिना कुपोषित होता हो, तो उन माता बहनों के लिए बैर के पत्ता और बैर की छाल दोनों को पीसकर पाउडर बना ले और मिश्री मिलाकर किसी डब्बे में बंद करके रखे और सुबह शाम एक एक चम्मच दवाओं का सेवन करे और ऊपर से दूध पिए तो उसके स्तनों में दूध टपकने लगेगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों बैर के पत्ता और बैर की छाल, कोमल कोमल छाल। दोस्तों अगर आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में लाली है या फिर आंख आ चुके हैं या फिर आंख के अंदर बिलनी है, तो आप बैर के पत्तों को तोड़कर उस पत्ते के आगे के हिस्से में कुछ लसलसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी बैर का गोंद गाद, उस लसार पदार्थ को आंखों के अंदर काजल की तरह लगाएं तो आंखों के समस्त रोग ठीक होने लगेंगे। और अगर आप डायरेक्ट बैर के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालकर काजल की तरह आंखों में लगाते हैं तो भी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों इस बैर के पत्तों को काढ़ा बनाइए, नमक मिलाकर और गरारा कीजिए तो गले का दर्द दूर होगा। अगर आवाज बैठ चुका है तो आवाज खुलेगा और मुंह के अंदर अगर छाले हैं तो वह छाले भी ठीक हो जाएंगे। और अगर दांतों से खून मवाद मसूड़े खराब हो चुके हैं या फिर पैरिया रोग हो चुका है तो उसमें भी यह बैर के पत्तों का काढ़ा काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों हिचकी रोग में बैर के पत्तों को पीसकर 5 ml इसका रस निकाल लें और उस 5 ml रस में एक चुटकी गेरू मिट्टी डालकर चटाए। जिस रोगी को हिचकी बहुत अधिक आ रही है तो उसका हिचकी आना बंद हो जाएगा। दोस्तों पेचिस रोग यानी खूनी आंव, दस्त में भी आप बेर के पत्तों को पीसकर साथ में अनार के पत्ता और अमरूद का पत्ता, तीनों पत्तों को पीसकर अगर स्वरस निकालते हैं 20 ml और पिला देते हैं तो पेचिस रोग भी ठीक होता है। दोस्तों इस बैर के पत्तों के बहुत सारे फायदे हैं, जितना भी इसके बारे में बताया जाए कम लगता है। अगर कोई पीलिया का रोगी है तो बैर के पत्तों को और सहजन के पत्तों को एक एक मुट्ठी लेकर पीसे और पीसने के बाद उसका 50 ml रस निकालकर सुबह सुबह खाली पेट बासी मुंह पिए तो पीलिया रोग ठीक होने लगता है। दोस्तों इस बैर के पत्तों का स्वरस पेट के अंदर होने वाले गैस को भी दूर करता है। अगर किसी को हमेशा गैस बनता है तो वह बेर के पत्तों में काला नमक या सेंधा नमक मिलाकर पीसे और 20 ml रस बनाकर तैयार करके पिए तो उसके पेट के अंदर गैस बनना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से यह बेर का पत्ता हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग नहीं जानते हैं तो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और जो लोग जानते हैं तो इसे आयुर्वेदिक औषधि समझकर इस्तेमाल करते हैं और फायदे पाते हैं।
तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।